सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी, आपकी हिंदी एडुकेटर। आज आपको करवाऊंगी क्रिया विशेषण की परिभाषा, भेद और उसके उदाहरण। तो चलिए समझते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जो कि जो हमारी व्याकरण की पुस्तक होती है उसमें जो हमारे पाठ दिए हुए होते हैं वो एक सीक्वेंस में दिए होते हैं। यानी जब हम पहला पाठ समझ लेते हैं फिर उसके बाद ही हमें दूसरा पाठ समझ में आता है, और जब हम दूसरा पाठ समझ लेते हैं तभी हमें तीसरा पाठ समझ में आता है। तो इसी सीक्वेंस में हमने पहले पढ़ा था विशेषण, ठीक है। तो विशेषण शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं विशेषता बताने वाले, और वो किसकी विशेषता बताते हैं? वो विशेषता बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम की, ठीक है। अब हम करेंगे, नाम से ही देखो पता चल रहा है, क्रिया विशेषण यानी विशेषण विशेषता बताने वाला शब्द। लेकिन अगर यहाँ पर क्रिया शब्द लगा दिया गया है इसका मतलब वह किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की विशेषता बताएगा, ठीक है। तो क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं? परिभाषा देखिए समझते हैं। जिन शब्दों के कारण क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। वाक्य में आपको पता है क्रिया हर जगह मौजूद होती है। वाक्य में अगर क्रिया मौजूद नहीं हो तो आपका वाक्य बनता ही नहीं है। जैसे एक सिंपल फॉर्मेशन अगर हम वाक्य के देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, यानी कर्ता और क्रिया, इनका होना आवश्यक है किसी भी वाक्य को पूरा होने के लिए। और अगर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि सब्जेक्ट ना होते हुए भी क्रिया जो है अपने आप होती है, जैसे वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर करने वाला कोई नहीं है, वर्षा अपने आप हो रही है। कर्ता यहाँ पर होते हुए भी जो है अदृश्य है, लेकिन क्रिया हर बार उपस्थित होती ही है हर प्रकार के वाक्य में। तो कोई भी ऐसा शब्द जो क्रिया का तरीका बताए, क्रिया का परिमाण बताए, कैसे हुई है, कितनी हुई है, कब हुई है, कहाँ हुई है, ये सारी बातें बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक। परिभाषा दोबारा देखते हैं। जिन शब्दों के कारण क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो चलने की जो क्रिया है वह कैसे हुई है? धीरे धीरे हुई है। तो जो धीरे धीरे शब्द है ये क्रिया का विशेषण है, क्रिया की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरे और एग्जांपल्स देखते हैं। वेदांग बहुत तेज भागता है, तो उसने भागने की क्रिया किस प्रकार की है? तेज, यानी ये तेज शब्द विशेषण है और ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हुआ, ओके। रोहन प्रतिदिन व्यायाम करता है, तो व्यायाम करना क्रिया है, और कब करता है? प्रतिदिन करता है, ठीक है। तो ये भी इसकी विशेषता हो गई, ओके। तो ये आपने देखा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल आप और देख लीजिए। वह दोपहर को आया, वह यहाँ रहता है, वह बहुत खाता है और वह धीरे धीरे चलता है। इस प्रकार से इन सभी वाक्यों में जो विशेषण शब्द है वो क्रिया की विशेषता को बता रहा है, तो ये सारे क्रिया विशेषण के उदाहरण हुए, ओके। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं? क्रिया विशेषण के भेद हैं कितने? चार। कितने भेद हैं? चार भेद हैं। सबसे पहला है रीतिवाचक, ओके। उसके बाद है कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, ठीक है। कौन कौन से हैं? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रीतिवाचक किसे कहते हैं। वर्ब ऑफ मैनर जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी। तो जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारी जो क्रिया है वो कैसे हुई है वो अगर हमें पता चलता है तो ऐसे शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे चीता तेज दौड़ता है, तो चीता कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। जब हम कैसे शब्द का प्रयोग करके अपना आंसर प्राप्त कर लेते हैं, हमें क्वेश्चन में कैसे अगर हमने वहां पर रख दिया और हमें अपना उत्तर मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट क्या होता है वह
रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, जैसे बस अचानक रुक गई। कैसे रुक गई? अचानक रुक गई। धीरे धीरे मेरे मित्र भी आने लगे। कैसे आने लगे? धीरे धीरे। ठीक है, ये है आपका रीतिवाचक। इसके बाद है कालवाचक, जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं। तो काल से हमें पता चला कालवाचक, यानी काल को बताने वाला, और किसका काल बताने वाला? क्रिया का। तो क्रिया के होने के समय का बोध जो शब्द करवाते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे मोहन के दादाजी प्रतिदिन पार्क में घूमने जाते हैं। तो कह किस समय जाते हैं? प्रतिदिन जाते हैं। मोहन सुबह सुबह रवि के घर आया। कब आया? तो सुबह सुबह आया। तो कब, जब ये हमारे समय को बताता है कब, तो जब हम वाक्य में कब का प्रयोग करके अपना आंसर प्राप्त कर लेते हैं तो उसे कहा जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। ओके, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे क्षितिज बोला चोर नीचे भागा है। तो कहाँ भागा है? नीचे भागा है। तो ये नीचे जो शब्द है ये भागने क्रिया का स्थान बता रहा है, इसलिए ये हुआ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ओके, मित्र मैं वहाँ रहता हूँ। तो कहाँ रहता है? वहाँ। तो ये भी स्थान को बता रहा है। वह इधर उधर क्यों घूम रहा है? तो इधर उधर, ये भी स्थान को बता रहा है। तो ये तीनों ही वाक्यों में जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है उनका प्रयोग हुआ है। ओके, इसके बाद देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने के परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जो हमारी क्रिया है वह कितनी हुई है, इस बात का पता अगर हमें चलता है तो वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, तरुण बहुत पढ़ता है। तो बहुत शब्द आया है पढ़ना क्रिया के लिए। तो बहुत होती है मात्रा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, थोड़ा, ये सारे शब्द बताते हैं परिमाण को। तो ये सारे शब्द अगर हमें क्रिया की विशेषता बताने वाले के रूप में प्राप्त होते हैं तो वहाँ होते हैं ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके, रोगी कम खाता है। तो कम खाना, कम यहाँ पर विशेषण है क्रिया का। तो ये हुआ आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक में कैसे क्वेश्चन पुट किया जाता है, कैसे शब्द रखने के बाद, कालवाचक में कब, स्थानवाचक में कहाँ और परिमाणवाचक में कितना या कितनी। इन शब्दों के रखने पर भी हमें अपना उत्तर जब प्राप्त होता है तो वहाँ पर हम इजीली इनकी पहचान कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को अच्छी तरह समझ आया होगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो ये ख़त्म करती हूँ। ओके, बाय बाय।